Welcome back to my channel. My name is Sandhya Singh and in this video I'm going to tell you guys about my hair care routine. So my hair care routine is more about the techniques that I use instead of products. क्योंकि मैं ज़्यादा product नहीं use करती हूँ and I also advise you guys not to use many products. क्योंकि आप जितने ज़्यादा hair products use करते हो, जितने अलग अलग chemicals आप अपने hair को उसमें expose करते हो, आपके hair उतने ज़्यादा damage होते हैं. So I do have hair on the thicker and the longer side. Like I do have really long hair and thick also. Thick तो मेरे hair genetically है and basically क्या होता है, अगर आप अपने hair को length में लॉन्ग अगर आप ग्रो भी कर रहे हो तो मेन जो प्रॉब्लम आती है, लाइक द प्रॉब्लम दैट आई वॉज फेसिंग, कि आपके हेयर फॉल होते हैं. हेयर फॉल आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आप बिल्कुल ही जीरो हेयर फॉल हो, थोड़े बहुत होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स एंड एवरीथिंग. सो आप मिनिमाइज कर सकते हो एंड यू कैन टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक आप कौन कौन से मेथड और टेक्निक यूज कर सकते हो टू मिनिमाइज द हेयर फॉल एंड टू मेक देम लाइक मोर ऑफ थिकर साइड एंड ग्रो देम लॉन्ग नेचुरली. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बेसिकली ये जो हेयर केयर रूटीन है ये 5 स्टेप्स में होने वाली है एंड ऑल्सो द थिंग इज कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सभी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट द 2 to 3 थिंग्स दैट इज शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम. सो लाइक मेरे हेयर थोड़े से फ्रिजियर साइड में है, सो आई यूज शैम्पू एंड कंडीशनर दैट सूट्स माई टाइप एंड मेक देम लुक लेस फ्रिजी एंड मेक देम मोर मैनेजेबल. सो अगर आपकी हेयर टाइप अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो द सीरम. लाइक अगर आपको शाइनी हेयर चाहिए, आपको लेस फ्रिजियर हेयर चाहिए, जैसे भी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सीरम एंड शैम्पू एंड कंडीशनर जो है यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऑयल योर हेयर. सो फॉर ऑयलिंग माई हेयर आई यूज दिस पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल. सो वन ऑफ द मेन स्टेप इवन बिफोर ऑयलिंग योर हेयर इज़ टू कॉम्ब योर हेयर. सो अपने हेयर को फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको एटलीस्ट मिनिमम लाइक 2 times आपके हेयर को कॉम्ब करना है, एक बार सुबह एक बार सोने से पहले. एंड जब आप कॉम्ब कर रहे हो तो मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मैं अपने हेयर को रोल कर लेती हूँ एंड नीचे से कॉम्ब करना शुरू करती हूँ. नाउ रोल करने से क्या होता है, आपके हेयर अगर नीचे से फंसे हैं तो वो ऊपर रूट्स पर प्रेशर नहीं करते हैं. मैं वहाँ से टाइट से पकड़ के रखती हूँ सो दैट ऊपर के बाल ना खींचे. एंड नीचे से कॉम्ब करना शुरू करती हूँ सो दैट नीचे से जब उलझे निकलते जाते हैं तो ऊपर से इतने नहीं फंसते हैं एंड ऊपर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता है. सो बाल टूटते बहुत कम है. लाइक मेरे हर बार हेयर कॉम करने पे 1 or 2 हेयर से टूटते हैं, मेरे ज़्यादा हेयर नहीं टूटते हैं. सो यस, ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है जब आप अपने हेयर को कॉम कर रहे होते हैं. नाउ आफ्टर कॉम्बिंग जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह है ऑयलिंग योर हेयर. सो बेसिकली मैं अपने हेयर को मिडल पार्टीशन करके लाइक 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देती हूँ. सो एक एक सेक्शन में ईजी पड़ जाता है आपके हेयर को ऑयल करना, क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है तो मुझे इसे ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा ऑयल लगता है. सो मैं सिर्फ ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ. सो कोकोनट ऑयल आपको हीट भी नहीं करना है, हीट करने से न्यूट्रिशन इसके सारे ख़त्म हो जाते हैं. सो और सर्दियों में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये हेयर ऑयल जम जाता है तो आप उसको सिर्फ अगर एक स्कूप करके अपने पाम में भी लेंगे तो वो आपकी नेचुरल हीट से मेल्ट हो जाता है. सो आप उसको अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं. सो यस, हेयर ऑयल मैं अच्छे से लगा लेती हूँ पूरा रूट से लेकर के लाइक हेयर के टिप्स तक. सो रूट्स में अच्छे से लेकर के आप इसको मसाज कर सकते हो. उससे क्या होता है, आपके हेयर का जो आपके हेड का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है एंड इससे आपके हेयर को ज़्यादा लाइक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके हेयर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं. सो यस, मैं अच्छे से स्कैल्प पे भी इसको मसाज कर लेती हूँ एंड देन जो जिसकी हेयर की मेरी टिप्स होती है वहाँ तक भी अच्छे से ऑयल जो है अप्लाई कर देती हूँ. सो दैट जो ड्राई आउट हो रहे होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाते हैं एंड आपके हेयर नॉर्मली शाइनी रहते हैं. इवन आफ्टर वॉशिंग योर हेयर, अगर आप अपने हेयर पर ऑयल नहीं लगाते हो तब भी ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी और फ्रिज फ्री लगते हैं एंड काफ़ी अच्छे से रहते हैं हेयर. आपके हेयर को भी कोई नुकसान नहीं होता है. सो यस, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू ऑयल योर हेयर. कभी भी आप बिना ऑयल के अपने हेयर को वॉश ना करें तो ही बेटर होता है, क्योंकि आपके हेयर अगर बिना ऑयल के आप वॉश करते हैं तो वो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं. नाउ अगेन आफ्टर ऑयलिंग माय हेयर व्हाट आई डू इज़ सेम टेक्निक से मैं अपने हेयर को वापस कॉम करती हूँ सो दैट थोड़े से भी, क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ एंड मैं नहीं चाहती मेरे हेयर बिल्कुल भी उलझे. सो आफ्टर ऑयलिंग माई हेयर आप या तो बन बना सकते हो या फिर चोटी. सो मैं यहाँ पर चोटी बना रही हूँ क्योंकि मेरे बन में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, मेरे बाल खींचते हैं. सो मैं नॉर्मली चोटी बना लेती हूँ एंड इसको मैं ऐसे ही ओवरनाइट जो है लीव कर देती हूँ. आप चाहे तो बन बना के शावर कैप पहन सकते हैं सो दैट अगर आपको प्रॉब्लम होता है ऑयल इधर उधर लग रहा है. मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरे हेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरा ऑयल. सो
यस मैं छोटी बना करके एंड इसको ऐसे ही लीव कर देती हूँ। सो द सेकेंड स्टेप इज़ टू यूज़ अ लेमन। सो ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है, लाइक आप इसको वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ यूज़ कर सकते हो, वो भी इन केस अगर आपके हेयर में डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है या अगर आपके हेयर में इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली यूज़ कैसे करना है, आप नॉर्मली इसको स्क्वीज आउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वॉश कर रखा है इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, और मेरे बालों में ना ही डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ना ही कुछ प्रॉब्लम है। सो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इसको स्क्वीज आउट करके इसको आप मसाज कर सकते हो हेयर में, या फिर आप डायरेक्टली रब कर सकते हो स्कैल्प में। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो स्कैल्प है वो क्लीन हो जाती है, क्या करता है बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है, एंड आपके हेयर बहुत ही ईजिली जो है वो ग्रो करते हैं। ऑल्सो वन थिंग मोर इज कि इससे आपके हेयर जो है और ज़्यादा फ्रेश स्मेल करते हैं और थोड़े शाइनी भी हो जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग तो होते ही होते हैं। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ हेयर लाइक डैंड्रफ, बिल्कुल भी नहीं होता है मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम, मेरी मम्मी को होता है। सो शी यूजेस लेमन ऑन हर हेयर एंड बहुत ही अच्छा उनके हेयर पर जो है वो वर्क करता है। तो आपको ये सिर्फ हेयर के लाइक स्कैल्प पर ही यूज़ करना है, क्योंकि लेंस में तो प्रॉब्लम होता नहीं है। आपको सिर्फ इसको स्कैल्प पे स्क्वीज आउट करके इसको रब करना है, मसाज करना है, एंड यू कैन लाइक कीप इट फॉर 1 to 2 hours और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। नो अगेन ये ऑल्टरनेट है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और ना भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब एसेंशियल नहीं है। इनकेस अगर आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तभी आप इसको यूज़ करें, और आप नेचुरली भी लाइक वंस इन अ मंथ अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप। सो बेसिकली थर्ड स्टेप इज़ टू शैम्पू योर हेयर। सो द शैम्पू दैट आई यूज़ इज़ डव का शैम्पू। सो बेसिकली क्या होता है, मेरे हेयर थोड़े फ्रिजियर साइड है, सो डव क्या करता है मेरे हेयर पे काफ़ी ज़्यादा सूदन करता है। मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ वही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, लाइक फॉर मोर देन 1 year। सो ये मेरे हेयर पे काफ़ी अच्छा लाइक सूट करता है, एंड डव का जो शैम्पू है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदन कर देता है मेरे हेयर को, एंड थोड़े लेस फ्रिजी रहते हैं एंड थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल रहते हैं। सो यस, आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अपॉन यू। अगर आपको कोई सा भी शैम्पू आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं अगर आपके हेयर पे वो सूट करता है, क्योंकि मैंने काफ़ी शैम्पू लाइक चेंज करके भी ट्राई करके देख चुकी हूँ। लाइक मैंने लॉरियल का भी यूज़ किया था, उससे मेरे हेयर थोड़े झड़ने लग रहे थे, काफ़ी टूटते थे, एंड डव के शैम्पू से मेरे हेयर बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। सो यस, एंड सो डव शैम्पू इज द थर्ड स्टेप टू यूज़ अ शैम्पू, एंड द शैम्पू दैट आई यूज इज डव। मैंने कंडीशनर पे ज़्यादा इधर उधर स्विच नहीं किया है कि मैंने अलग अलग ट्राई करा हो। सो मैं डव को ही स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ, एंड वो मेरे हेयर पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने अभी तक कोई दूसरा कंडीशनर ऑप्ट करने का सोचा नहीं है। सो यस, कंडीशनर के लिए मैं डव का कंडीशनर यूज़ करती हूँ। सो यू शुड ऑल्सो नेवर स्किप कंडीशनर, क्योंकि मैं पहले नहीं यूज़ करती थी, एंड उसके बाद से जब से यूज़ करना शुरू किया है आई कैन टोटली क्लियरली लाइक सी द डिफरेंस इन माई हेयर। सो यस, फोर्थ स्टेप इज़ टू यूज़ अ कंडीशनर। नाउ आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर, जो नेक्स्ट थिंग आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको माइंड में रखनी है, वो है गीले हेयर क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूटते हैं। सो आफ्टर वॉशिंग योर हेयर वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी वेरी जेंटल ऑन योर हेयर। आप उसी वे में अपने हेयर को कॉम करना है, तो बेसिकली बिल्कुल गीले हेयर पे नहीं करना है। आप अपने हेयर को पैट ड्राई कर सकते हो, लाइक इतना कि उसके लाइक स्लाइटली जो है वो ड्राई आउट हो जाए, क्योंकि बिल्कुल गीले में अगर आप अपने हेयर को कॉम करोगे तो वो ज़्यादा फंसेंगे एंड ज़्यादा टूटते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, थोड़े से पैट ड्राई करने के बाद आप नॉर्मली उसको उसी वे में कॉम कर सकते हो। ऑलराइट, सो द लास्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ सीरम। नाउ आप शैम्पू करने के बाद थोड़े लाइक आप अपने हेयर को डैम्प जब होते हैं तब आप एक सीरम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है अगर आप शैम्पू करने के बाद आप कोई ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हो फिर भी आपके हेयर थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं और थोड़े ड्राई आउट होने लगते हैं, तो आप सीरम को जो है वो आपके लेंथ पर यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट थिंग अगर आप कोई हीट प्रोटेक्टिंग वगैरह यूज़ करते हो तो आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे, धूप से भी आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं, तो इससे वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। ऑल्सो यू कैन सी मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है। सो यस, सीरम जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ आपको थोड़े से डैम्प हेयर पे लाइक सम ड्रॉप ऑफ सीरम आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर, कि आपके हेयर कितने थिक हैं कितने लॉन्ग हैं, एंड आपको उसके लेंथ पे अप्लाई करना है। सो यस,
these are the 5-step hair care routine that I prefer to use. So agar aapko ye video pasand aayi ho, then don't forget to like, comment and subscribe to my channel. That means a lot to me. And also you can follow me on my Instagram. Link will be in the description. And I'll see you soon in my next video. Bye.